नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लंबे बाल किसको पसंद नहीं होते, सभी को लंबे बाल पसंद है। आजकल तो लड़के भी लंबे बाल रख रहे हैं, और इन्हीं लंबे बालों को कैसे बनाए रखना है, अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो उस हेयर फॉल से कैसे छुटकारा पाना है, अगर आपके बाल छोटे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज पर आकर आपके बालों की लेंथ रुक जाती है तो उससे ज़्यादा दोगुनी तेज़ी से अपने बालों को कैसे बढ़ाएं, आज उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ योगा टिप्स देने वाली हूँ। तो जल्दी अपनी योगा मैट तैयार कीजिए, रेडी हो जाइए, और अब कुछ योग करते हैं जिससे आपके बाल ज़रूर घने हो जाएंगे। और अगर आपके बहुत हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कहीं कहीं जगह पर गंजापन सा आ रहा है, तो वो भी दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं योग की। तो शुरुआत करते हैं मत्स्यासन के साथ। मत्स्यासन के लिए आप अपनी योगा मैट पर कुछ इस तरीके से बैठ जाइए। मैं आपको राइट साइड से कर दिखा रही हूँ, और आप पद्मासन में बैठ जाइए, अपने दोनों पैरों को ऐसे। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो मत्स्यासन के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं, वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। तो इसके बाद आप धीरे धीरे वापस ऐसे जाइए, और कुछ इस तरीके से आपको लेटना है। अपने हाथों से अपने अंगूठों को पकड़िए पैरों के, और बिल्कुल स्ट्रेट, आपको बिल्कुल झुकना नहीं है, सीधा अपनी बॉडी को रखिए, अपने शोल्डर्स को भी स्ट्रेट रखिए, और कुछ देर तक आंखें बंद करके इस आसन में होल्ड रहिए। मत्स्यासन के काफ़ी तरीके होते हैं, मैं आपको कुछ कुछ तरीके बताती हूँ। आप अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से भी रख सकते हैं, इससे आपके नेक पर बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। अपनी मुद्राओं को इस तरीके से रखिए। इसके साथ ही आप अपने हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, पीछे, अपने सर के बिल्कुल पीछे। आप ध्यान रखें कि जब आप मत्स्यासन कर रहे हैं तो आपके हिप्स बिल्कुल मैट से टच होने चाहिए, और कमर आपकी बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए, ताकि कमर पर थोड़ा जोर पड़े। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। धीरे धीरे अपनी बॉडी को वापस लाइए। तो ये पद्मासन में हमने मत्स्यासन किया, अब मैं आपको वज्रासन में मत्स्यासन करके बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग वज्रासन में आसन करना काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो वज्रासन में आप पहले वज्रासन में ऐसे बैठ जाइए। उसके बाद जैसे हम पद्मासन में मत्स्यासन कर रहे थे और पीछे गए थे, वैसे ही आपको धीरे धीरे पीछे जाना है। अपनी हाथों की मुद्राओं को ऐसे करके आप अपने थाइस पर रखिए, और सीधा अपनी बॉडी को। आप ऐसे भी रख सकते हैं हाथों को। ऐसे भी रख सकते हैं। क्योंकि मेन जो असर आपको पड़ना चाहिए मत्स्यासन करते वक्त, ये कर्व बनना चाहिए। अगर आपके कर्व बन रहा है, यानी आप बिल्कुल सही तरीके से मत्स्यासन कर रहे हैं। हाथों को आप ऐसे पीछे भी रख सकते हैं।
धीरे धीरे वापस आई। जब आप मत्स्यासन करके वापस आ रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी नेक पर कोई झटका नहीं आना चाहिए। अगर आप ऐसे वापस नहीं आ सकते तो अपने जो लेग्स हैं आप उनको ओपन कर दीजिए, सीधे लेट जाइए, फिर वापस आइए। तो इस तरीके से होगा मत्स्यासन। अब हम करेंगे बाल आसन। बाल आसन में ही बाल शब्द आप सुन रहे हैं। बालों के लिए ये आसन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग पोज भी इसे कहा जाता है। जब हम बाल आसन में बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, हमारा मन बहुत शांत होता है। तो बाल आसन करने के लिए आप पहले वज्रासन में बैठ जाइए, यानी कि ऐसे। मैं आपको इस साइड से दिखाती हूँ वज्रासन में बैठ कर। बाल आसन करने के लिए आप अपने हाथों को, आपके हाथ जब नीचे आएंगे मैट पे तो ऐसे आएंगे, यानी जो हैंड का पाम है वो पाम इस साइड फेस होना चाहिए, ठीक है। तो बाल आसन करने के लिए धीरे धीरे पहले आपको सांस अंदर लेनी है, जब आप नीचे आएंगे तो सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। और बिल्कुल जब आप बाल आसन में आ जाएंगे तो आईज क्लोज कर आपको शांति से कुछ नहीं सोचना, बस धीरे धीरे सांस लीजिएगा और अपने माइंड को ब्लैंक रखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बाल आसन करते हैं। अब धीरे धीरे ऊपर आई। तो कुछ इस तरीके से होगा बाल आसन। अब एक बार दोबारा से बाल आसन करते हैं। इस बार मैं आपको राइट साइड से बाल आसन करके दिखाऊंगा। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के बाद अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए, उसके बाद हाथों को नीचे और धीरे धीरे सांस छोड़िए। धीरे धीरे वापस सांस छोड़िए। तो ऐसे होगा बाल आसन। बाल आसन से आपके बाल जरूर घने हो जाएंगे। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अब बारी है तीसरे आसन की। तो तीसरा योग है उत्तानासन। उत्तानासन के लिए आप अपनी योगा मैट पर खड़े हो जाइए। खड़े होकर ही आपको आसन करना है। उत्तानासन के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को कुछ इस प्रकार से रखिए, हल्का सा गैप। आपके पैर बिल्कुल, यानी जो आपके घुटने के जॉइंट्स हैं, जब आप नीचे जाएंगे उत्तानासन करने के लिए तो फोल्ड नहीं होने चाहिए, मुड़ने नहीं चाहिए घुटने। जितना स्ट्रेट रखेंगे उतना बेहतर है ये आसन करने के लिए। बालों पर आपके काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। जो लंबे लंबे बाल आप पाना चाहते हैं, उत्तानासन को अगर आप 5 मिनट होल्ड कर रखेंगे, शुरुआत में आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप डेली बेसिस पर ये आसन करेंगे तो आप काफ़ी आसानी से इसको पोजिशन में होल्ड रह सकते हैं। 5 मिनट तो बहुत चुटकी का खेल है आपके लिए होल्ड होना उत्तानासन में। तो उत्तानासन जब आप करेंगे, 5 मिनट तक होल्ड रखेंगे, जरूर आपके बालों पर असर पड़ने वाला है। घने बाल भी होंगे और अगर हेयर फॉल होता है तो वो भी कम हो जाएगा। तो चलिए उत्तानासन करते हैं। उत्तानासन के लिए सबसे पहले आप धीरे धीरे नीचे आइए। अपने जो आपका माथा है, आप इसको नीचे आते वक्त अपने माथे को अपने घुटनों से लगाइए। पहले आप अपने जॉइंट्स को फोल्ड कीजिए, घुटनों पर लगाइए, ताकि इससे थोड़ी आसानी होगी। अब धीरे धीरे आप अपने लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करिए, हाथों को नीचे।
धीरे धीरे वापस आइए। तो कुछ ऐसे करना है आपको उत्तानासन, उत्तानासन करते वक्त आप ये जरूर याद रखें, जब आप नीचे जा रहे हैं तो आप लंबी सांस लीजिए, और जब आप वापस आ रहे हैं तो सांस को छोड़िए, और जब आप नीचे होल्ड कर रहे हैं तो हल्की हल्की सांसें लीजिए, यानी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए। एक बार फिर से करते हैं उत्तानासन। अब मैं राइट साइड से आपको करके दिखाती हूँ। उत्तानासन के लिए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके जाइए, लेग्स को स्ट्रेट, पोजीशन को होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे सांस छोड़िए। तो ऐसे करना है उत्तानासन। इससे जब आप नीचे इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और आपके बाल जब पूरे के पूरे फ्लोर पर होंगे, तो वही है आपके बालों के लिए हेल्दी आसन। उत्तानासन से आपके बाल स्ट्रांग भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, जो हेयर फॉल होता है, क्योंकि हेयर फॉल हमारे इसलिए होता है क्योंकि हमारे बाल बहुत वीक होते हैं, हमारे बाल स्ट्रांग नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, हमारी खान पीन अच्छी नहीं होती। तो योग करने के साथ साथ आपको हेल्दी वेजिटेबल्स खानी है ताकि आपके बालों पर बहुत असर पड़े और आपके बाल हेल्दी हो जाए। चलिए अब शुरुआत करते हैं दूसरे आसन की। अब हम करेंगे आखिरी आसन, सर्वांगासन। सर्वांगासन के काफ़ी टाइप होते हैं, बिगनर्स के लिए भी और एडवांस वर्जन भी होता है सर्वांगासन में। तो मैं आपको एडवांस वर्जन का भी कुछ कुछ तरीके कर बताऊंगी। जो एडवांस वर्जन वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी आसानी होगी, उनको नए नए योगा टिप्स मिलेंगी। तो इस पूरे सेशन को करने से आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, ये बात आप याद रखिए। बालासन आपको करना है, मत्स्यासन करना है, उत्तानासन करना है, और अब हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए आप अपने योगा मैट पर लेट जाइए। राइट साइड से मैं आपको कर दिखाती हूँ आसन। आपको लेटना है ऐसे शवासन में, अपने पैरों को नीचे रखिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने पैरों को ऊपर लाना है और अपनी कमर को होल्ड कीजिए। ऐसे ये सर्वांग आसन का एग्जैक्ट पोज है। धीरे धीरे सांस लीजिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सर्वांग आसन में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी लाइन एंड लेंथ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके ये जो घुटने हैं बिल्कुल फोल्ड नहीं होने चाहिए जब आप सर्वांगासन कर रहे हैं, सीधे। ये हो गया बिगनर के लिए सर्वांगासन। अब एडवांस के लिए सर्वांगासन में ही आप इसी पोजीशन में पद्मासन में आइए, कुछ ऐसे। या तो आप इस पोजीशन को ऐसे होल्ड कीजिए, या फिर ऐसे। अब धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाइए, अपने हाथों को सीधा रखिए लॉक करके। अब धीरे धीरे अपने हाथों को वापस और पैरों को सीधा। तो ये एक एडवांस वर्जन है सर्वांगासन करने का। जब आप बिगनर वर्जन को डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये भी आसानी से कर पाएंगे। अब अपने पैरों को ओपन कीजिए,
अब सर्वांग आसन में नीचे जाने के लिए आप अपने राइट लेग को ऐसे करिए। सर्वांग आसन में आप ये भी कर सकते हैं, अपने लेग्स को थोड़ा मूव कर सकते हैं जैसे ऐसे। ये भी सर्वांग आसन का एडवांस वर्जन है। दोनों लेग्स को माथे से टच कीजिए, घुटनों को। अब दोनों लेग्स को सीधा। अब धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे, इसके लिए राइट लेग को आप फोल्ड कीजिए, लेफ्ट को धीरे धीरे नीचे लाइए। अब राइट को थोड़ी देर इस पोजीशन में होल्ड रहिए। धीरे धीरे नीचे। अब शवासन में आप लेटिए। शवासन में मैंने आपको लेटने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जब हम सर्वांग आसन करते हैं तो जो ब्लड है वो बिल्कुल हमारे हेड में एक तरीके से रुक जाता है उस टाइम के लिए जब तक हम वो आसन कर रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा सर पर हमारे असर पड़ता है, तो इसलिए अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत हैवी आसन किया है तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए शवासन में आ जाइए। जब आपको रिलैक्स फील हो जाए उसके बाद आप वापस आइए। तो कुछ इस तरीके से होगा सर्वांग आसन। तो मैंने आज आपको चार आसन बताए, वो चार आसन करने से आपके बालों पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी अपने बाल को घना लंबा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का फैशन है लड़के भी अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं। तो लंबे बाल होंगे, काफ़ी ज़्यादा हेयर स्टाइल आप बना सकते हैं और अनोखे अनोखे हेयर स्टाइल ट्राई भी कर सकते हैं। तो आप ये चार आसन डेली बेसिस पे कीजिए, कम से कम 15 से 20 मिनट आप ये आसन करिए, तो काफ़ी ज़्यादा असर आपके बालों पर पड़ेगा, हेयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप इंडिया टीवी देखते रहिए। नमस्कार।